ग्वालियर में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस एक दिन पहले हुई पत्थरों से कुचलकर युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी थी कि 24 घंटे में एक और युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे साफ है कि बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। वियो, दरअसल ग्वालियर के पानपत्ते की गोठ इलाके में तड़के सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक मन्नत उर्फ भानु छारी की हत्या अज्ञात बदमाशों ने की है। उसके सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। फोरेंसिक टीम ने ही मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी। यहां अहम बात यह है कि घनी बस्ती में मर्डर होने के बावजूद किसी को जानकारी नहीं मिली। 24 घंटे में दूसरा मर्डर ने पुलिस के लिए चुनौती और सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं। चंद दिनों में 4 हत्याएं कहीं न कहीं पुलिस के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। कानून व्यवस्था की कमी से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जी, सुबह 6:15 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से एक सूचना आई थी कि यहाँ पे एक शव पड़ा है। उसके बाद लोकल पुलिस है, उन्होंने देखा था यहाँ पे एक शव था। उसमें भी जांच की जा रही है कि क्या घटना पूरी क्या है। जैसे जैसे इसमें हमें डिटेल मिलेगी आपको बताएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, जैसे क्या मौत हुई? हाँ, ये गोली से हुई है मौत, बंदूक से हुई। क्या है, अब यहाँ पे कोई वेपन तो नहीं मिला है, लेकिन आगे जाँच चल रही है, जैसा होगा आपको अपडेट करें। 5 दिनों से बात हुई, 3 दिनों अभी बात चल रही है, उनसे भी हम पूरी कथन लेंगे, बात करेंगे, उन्हें क्या लग रहा है, इनका फ़ोन हम ढूंढ लेंगे, फ़ोन में क्या आ रहा है, सारी डिटेल आने के बाद आपको एक बार। क्या नाम है? मंथन चारी। फिलहाल ये गुड़ा में रहते हैं और पहले पानपत्ती गोट में रह चुके हैं। उनकी उम्र करीब 28 वर्ष के आसपास। क्या बताया परिजनों ने, कब से गायब? नहीं, गायब नहीं थे, इस तरह की कोई सूचना नहीं।